पॉर्न एडिक्शन कैसे छोड़े, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आजकल जब से कोरोना चालू हो गया तब से कॉलेज स्कूल्स बंद थे, अभी अभी खुल गए, मगर लोगों को, बच्चों को अभी मोबाइल्स के ऊपर ज़्यादा पढ़ाई की आदत पड़ गई। पहले मोबाइल की ज़रूरत नहीं थी, पेरेंट्स मोबाइल देने को तैयार नहीं थे बच्चों को। अभी पेरेंट्स ही बोलते कि मोबाइल लो और पढ़ाई करो। अब ये करते करते बच्चों को काफ़ी गंदी आदतें लग गई है, उसमें की एक आदत है पॉर्न एडिक्शन। क्या होता है कि स्क्रॉल करते करते यूट्यूब के ऊपर, जब स्क्रॉल करते 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 काफ़ी सारे वीडियोस आपको दिखेंगे, वो सेक्स के वीडियो होंगे, कोई सेक्स की साइट्स के ऊपर चले जाते हैं, कोई पिक्चर्स देखते हैं, कोई न्यूड पिक्चर्स देखते हैं और बाद में उसमें मज़ा आता है, फिर वही देखने में और मज़ा आता है, फिर घंटों उसमें चले जाते हैं। क्या होता है कि जब पॉर्न देखते हैं तो नेचुरली सेक्स की इच्छा बढ़ जाती है। सेक्स की इच्छा जब बढ़ जाती है तो नेचुरली जो फील गुड हार्मोन्स है वो ज़्यादा बहना चालू होते हैं अंदर। बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट आती है, इरेक्शन आता है, कभी कभी चिपचिपा पानी भी उस समय आ जाता है या उस समय वीर्यपात भी होना शुरू हो जाता है। तो ये अवस्था बार बार आना चाहिए, बार बार आगे तो अच्छा लगता है, इसलिए वो पॉन में लगे रहता है। अब ये कैसे छोड़ना चाहिए? तो नंबर एक, आपका पूरा डिटर्मिनेशन होना जरूरी है। डिटर्मिनेशन मतलब पक्का दृढ़ निश्चय कि नहीं छोड़ना ही है, क्योंकि पेरेंट्स बोलने से ऐसा कुछ नहीं होता है। पेरेंट्स ने बोला कि नहीं तुमको छोड़ना है, पॉर्न एडिक्शन छोड़ो, गलत मूवी देखना छोड़ो, ऐसा करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एक तो डिटर्मिनेशन है, फिर नंबर दो जो है कि आपने अकेले रहना टालना चाहिए। सब जो पढ़ाई करनी है तभी भी आप अकेले मत रहो या दरवाजे बंद करके पढ़ाई मत करो। क्या होता है कि जब दरवाजे बंद करके आप पढ़ाई करते हो तो चांसेस ये है कि तुरंत कभी विचार आ गया और चालू हो गए तो प्रॉब्लम आ जाते। तो अकेले रहना नहीं है, टालना है। अकेले रहते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के समय दरवाजे खुले रख कर पढ़ाई करो। जेनिटल्स को टच करना अवॉइड करो ज़्यादातर, क्योंकि कभी सेक्स के मूवीज़ या सीन्स आ जाते हैं तो जेनिटल को टच हो जाता है, तो वो अवॉइड करो। बिजी रहना पसंद करो, ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहने का है। एक के पीछे एक काम आपके लगे हुए, एक के पीछे एक पढ़ाई आपको मालूम है कौन सी करना है वो लगी हुई है, तो फिर पॉर्न देखने में समय नहीं जाएगा। जल्दी सोना है, जल्दी सोते हैं आप तो नेचुरली ऐसा है कि जब जागते रहते हैं तो मोबाइल हाथ में है तो चालू हो जाता है फेसबुक, व्हाट्सएप। यदि आप जल्दी सोते हैं और ऐसा प्रण करते कि नहीं सोने के 2 घंटा पहले मुझे मोबाइल हाथ में लेना ही नहीं, यदि पढ़ाई नहीं है तो फिर वो फेसबुक और पॉन्स और वीडियो देखने का कोई मौका आएगा ही नहीं। तो फिर एक तो जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। फिजिकल एक्सरसाइज रोज करने की है, रोज फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी ये आदत छूटने में मदद हो जाएगी। अपने फैमिली मेम्बर्स को कनेक्ट करो। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं पॉर्न देखने के तरफ मेरा झुकाव हो रहा है, तो खुद ने ही अपने माँ बाप को कम्युनिकेट करना है कि देखो मेरा है ना वैसा मन करता है और ये अच्छा नहीं है, मुझे भी लगता है कि अच्छा नहीं है, मैंने ये छोड़ना चाहिए। तो तुरंत अपने माँ बाप को कनेक्ट करो, बता दो, फैमिली मेम्बर साथ में रहो। और रात को तो स्पेशली फैमिली मेम्बर के साथ में रहना है, अकेले रहना नहीं है। मोबाइल 2 घंटे पहले से ही बंद कर देने का है और जल्दी सोना है। ये सब करेंगे तो डेफिनेटली पॉर्न एडिक्शन खत्म हो जाएगा। अब थेरेपीज जो है उसके लिए मैं हिप्नोथेरेपी सजेस्ट करता हूँ, हिप्नोटिज्म, हिप्नोथेरेपी, जिससे पॉर्न एडिक्शन खत्म होने में बहुत सहायता होती है। और वैसे ही मैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करता हूँ, साइकोलॉजिकल काउंसिलिंग। तो अलग अलग थेरेपीज जो है, ये थेरेपीज में बहुत फ़ायदा होता है, तो ये थेरेपीज भी आप कर सकते हैं और आपका यह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी नौजवानों को शेयर करो। बहुत सारा प्रॉब्लम अभी हो रहा है, पॉर्न एडिक्शन बहुत ही रैम्पेंट है। और पॉन, सिर्फ पॉन एडिक्शन नहीं, आप यहाँ पॉन के बदले ये भी समझ लो कि यहाँ पबजी भी गेम है, उसका भी एडिक्शन है, या अलग अलग गेम्स का एडिक्शन है तो वो भी इसमें आ गया है। तो ये सब एक तो टाइम गंवा देते हैं, बहुत सारा टाइम लग जाता है, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और उसमें गलत आदत पड़ के फिर उस समय फिर आदमी कभी मास्टरबेशन कर लेता है पॉन देखते देखते, तो फिर वो सब ज़्यादा होने से और प्रॉब्लम्स नए नए क्रिएट होते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है। तो ये टालना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करो, लोगों को सजग करो, ताकि यह प्रॉब्लम हमारे नवयुवकों को तकलीफ देगा नहीं, नवयुवकों को बर्बाद करेगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी
से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।